सब टीवी और सोनी टीवी पर कुल मिलाकर 12 शोज ऑन एयर हैं। तो चलिए जानते हैं वीक 35 की टीआरपी में सभी शोज की रेटिंग्स कैसी आई हैं। सबसे पहले सब टीवी की बात करें तो इसमें नंबर 6 पर आया है वंशज, जिसको मिले हैं 0.6 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो भी जल्द ही ऑफ एयर होने जा रहा है। नंबर 5 पर आया है श्रीमद रामायण, जिसको मिले हैं 0.7 रेटिंग पॉइंट्स। सुजारू प्राची बंसल स्टार इस शो की रेटिंग इस हफ्ते सेम है। नंबर 4 पर आया है बादल पे पाँव हैं, जिसको मिले हैं 0.7 रेटिंग पॉइंट्स। शो की रेटिंग्स में इस हफ्ते 0.2 का उछाल आया है। नंबर 3 पर आया है पुष्पा इम्पॉसिबल, जिसको मिले हैं 0.8 रेटिंग पॉइंट्स। करुणा पांडे स्टार इस शो की रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं आया। नंबर 2 पर आया है वागले की दुनिया, जिसको मिले हैं 0.9 रेटिंग पॉइंट्स। सुमित राघवन प्रिया परिणति स्टार इस शो की रेटिंग्स भी सेम ही हैं। नंबर 1 पर आया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसको मिले हैं 1.7 रेटिंग पॉइंट्स। इस कॉमेडी शो ने ओवरऑल नंबर 7 की पोजीशन हासिल की है। अब अगर सोनी टीवी की बात करें तो इसमें नंबर 6 पर आया है काव्या एक जज्बा एक जुनून, जिसको मिले हैं 0.1 रेटिंग पॉइंट्स। नंबर 5 पर आया है जुबली टॉकीज, जिसने हासिल किए हैं 0.1 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं नंबर 4 पर आया है पुकार दिल से दिल तक, इस शो ने हासिल किए हैं 0.1 रेटिंग पॉइंट्स। ये तीनों शोज ही जल्द ही ऑफ एयर होने जा रहे हैं। नंबर 3 पर आया है आपका अपना जाकिर, जिसको मिले हैं 0.4 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो भी दर्शकों को अलविदा कह चुका है। नंबर 2 पर आया है इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 4, जिसने हासिल किए हैं 0.7 रेटिंग पॉइंट्स। इस रियलिटी शो की रेटिंग्स में 0.1 की गिरावट आई है। नंबर 1 पर आया है कौन बनेगा करोड़पति, जिसको मिले हैं 0.8 रेटिंग पॉइंट्स। इस हफ्ते शो की रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये है वीक 35 की सब टीवी और सोनी टीवी की बाक टीआरपी। आपको इनमें से कौन सा शो पसंद है हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। स्टूडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।